मैंने देखा कि किस तरह कन्नौज में पृथ्वीराज के विद्रोही सामंत उनके सामने आ गए। मैंने ये भी देखा कि राव आल्हा ने यज्ञ स्थल का निरीक्षण किया। पृथ्वीराज चौहान चकोरी से मिले तो उन्हें पता चला कि उनकी तलवार राव आल्हा के कक्ष में है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को उनके असली रूप में देखकर चौंक पड़े। पृथ्वीराज अपनी तलवार प्राप्त करने के लिए आल्हा के कक्ष में गए। तभी राव आल्हा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों वीर एक दूसरे के सामने थे और मैं सोच रही थी कि कहीं राव आल्हा का कक्ष भी युद्ध भूमि न बन जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। यह संकट टल गया। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के कक्ष में पहुंचे, उसे ये बताने कि वो राजस्व यज्ञ का विध्वंस करने जा रहे हैं। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को इस अभियान के लिए शुभकामनाएं दी और मैं सोच रही थी कि अकेले पृथ्वीराज चौहान इस राजस्व यज्ञ का क्या विध्वंस कर पाएंगे। लाओ तो। ये लीजिए महाराज। धन्यवाद, अब तुम जा सकती हो महाराज। चकोरी, ये अभियान तो हम अकेले ही पूरा करेंगे, तुम जाओ।
हो तुम? सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान। सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान? हाँ महाराज, ये क्या किया आपने? क्या आप नहीं जानते कि मंत्रोच्चार बंद हो जाने से राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान बंद कर देना पड़ता है? हम इस राजसूय यज्ञ को भंग करने आए हैं। देखिए यज्ञ स्थल के चारों ओर सुरक्षा के लिए जितने सैनिक तैनात थे सबके सब मारे जा चुके हैं। क्या? और अब हम आप सबसे कहते हैं कि आप ये यज्ञ स्थल छोड़कर चले जाएं। लेकिन महाराज, राजपुरोहित जी, आप सब ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपका वध नहीं करना चाहते, किंतु यदि आपने हमारा आदेश न माना तो किसी भी अनर्थ का दायित्व आपके सिर होगा। महाराज, ये जो कुछ आप कर रहे हैं वो अन्याय है, अधर्म है, पाप है महाराज। महाराज, जयचंद की छत्र छाया में रहकर भी आप न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य का उपदेश दे रहे हैं। क्या आप सब नहीं जानते कि महाराज जयचंद किस प्रकार के व्यक्ति हैं? वो महाराज जयचंद ही तो थे जिन्होंने छल और कपट का सहारा लेकर हमारे नाना साहब महाराज अनंगपाल तोमर को संधि के बहाने कन्नौज बुलाया था। क्या आप नहीं जानते कि उसका क्या परिणाम हुआ था? क्या वो न्याय था, धर्म था? महाराज, आपकी, आपके नाना साहब की महाराज जयचंद से शत्रुता हो सकती है, परंतु इस राजसूय यज्ञ से क्या बहर है आपको? राजसूय यज्ञ का उद्देश्य होता है सद्भावना, लेकिन ये राजसूय यज्ञ दुर्भावना के लिए किया जा रहा है। हमारा अंत करने के लिए किया जा रहा है ये राजसूय यज्ञ। आपके महाराज ने हमें भी निमंत्रण भेजा था इस राजसूय यज्ञ में आने के लिए। उस पत्र में उन्होंने हमें आदेश दिया था कि हम कन्नौज सेवक बनकर आए और उनकी सेवा करें। जाइए राजपुरोहित जी, अब ये राजसूय यज्ञ भंग हो चुका है, अब आप लोगों का यहां कोई काम नहीं। जाइए। राजपुरोहित जी, यह समाचार जयचंद को अवश्य दीजिएगा। जिस तरह अपमान भरा निमंत्रण पत्र भेजा था उसने हमें, हमने अपने अपमान का बदला ले लिया है। जाकर कहिएगा जयचंद से कि सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान सेवक बनकर आए थे और उसकी सेवा करके चले गए। माता कुंती के आशीर्वाद से हमने अपना बदला ले लिया है। नाना साहब, हमने राजकुमारी संयोगिता से आपकी पुत्र वधु बनने का वचन भी ले लिया है। अन्नदाता की जय हो। द्वारपाल, ये शोर कैसा है? अन्नदाता, राजपुरोहित जी अन्य ब्राह्मणों के साथ द्वार पर पधारे हैं। क्या? जी हाँ अन्नदाता, राजपुरोहित जी द्वार पर खड़े। दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजपुरोहित जी,
आप और आपके ब्राह्मण इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हैं? आपने तो स्वयं ही कहा था कि अगर मंत्रोच्चार बंद हो जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। बड़े खेद की बात है महाराज, यज्ञ भंग हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ महाराज, यज्ञ स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात किए हुए आपके सारे के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं महाराज। राजपुरोहित जी, कौन है वो जिसने राजसूय यज्ञ भंग किया है? वो सांभर नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज चौहान? हाँ महाराज। ये पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गया? राजपुरोहित जी, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। नहीं महाराज, नहीं, हम सब ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। पहले उन्होंने हमारे सारे सैनिकों का वध कर दिया, उसके बाद स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने हवन कुंड में बाण चलाकर यज्ञ को भंग कर दिया महाराज। नहीं राजपुरोहित जी, यह असंभव है। नहीं महाराज, ऐसा ही हुआ है। अब तो इस यज्ञ को दोबारा करने के लिए फिर से 6 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महाराज। नहीं राजपुरोहित जी, नहीं। पृथ्वीराज, राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी जी, सेवा गणपत डांगी का प्रणाम। महाराज आप? मैं आपको एक सूचना देने आया हूँ राजकुमारी जी। कैसी सूचना? यही कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने आपके पिताजी से अपने अपमान का बदला ले लिया है। तो क्या अपने पिताजी को? नहीं नहीं राजकुमारी, नहीं, आपके पिताजी जीवित है। राजकुमारी, हमने राजसूय यज्ञ को भंग कर दिया है। क्या आपने ये सब अकेले किया? हाँ राजकुमारी, यह अभियान हमें अकेले ही पूरा करना था, क्योंकि अपमान तो हमारा ही हुआ था और उसका बदला भी हमें ही लेना था। धन्य है आप महाराज, और धन्य है आपकी वीरता। राजकुमारी, यज्ञ विध्वंस के पश्चात वहां पर कोलाहल मचा हुआ होगा। राजपुरोहित जी ने अब तक महाराज चेचन को यह सूचना तो दे ही दी होगी कि विध्वंस पृथ्वीराज चौहान ने किया है, और राज्य के सैनिक हमें ढूंढने चारों ओर दौड़ पड़े होंगे। वो यहां भी आ सकते हैं। हमें शीघ्र ही जाना पड़ेगा। तो क्या आप अभी अनंगपुर वापस जाएंगे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी, हम यहां आए थे कवि चंदवरदाई के सेवक बनकर, और वापस भी उन्हीं के साथ जाएंगे। मगर महाकवि चंदवरदाई कहाँ है? वो अतिथिशाला में है। तो क्या आप अब अतिथिशाला जाएंगे? हाँ? मगर आपके प्राणों को खतरा है महाराज। नहीं राजकुमारी, खतरा तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के प्राणों को है। हम तो गणपत डांगी
हमारे प्राणों को कोई खतरा नहीं। हम चलते हैं राजकुमारी, कविराज वहां अकेले होंगे, फिर मिलेंगे। महाराज, आपकी प्रतीक्षा में ये प्राण सदैव व्याकुल रहेंगे। राजकुमारी, ये अंतिम विदाई नहीं है, हम फिर मिलेंगे। हम फिर एक बार कन्नौज जाएंगे आपसे मिलने, लेकिन उस बार अकेले वापस अलमपुर नहीं जाएंगे, आपको साथ लेकर जाएंगे। सच? ये पृथ्वीराज का वचन है राजकुमारी। हमें आप पे पूरा विश्वास है महाराज, और हम आपके विश्वास की लाज रखेंगे। हम चलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सेनापति जी, आप अकेले? राव आला और वीर उदल नहीं आए आपके साथ? महाराज, मैं उन दोनों के ही कक्ष में गया था, परंतु आश्चर्य की बात है कि वो दोनों ही अपने कक्ष में नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों अपने कक्ष में नहीं हैं? वो दोनों इस समय कहां जा सकते हैं? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता महाराज। सेनापति जी, अपने सैनिकों को आदेश दीजिए कि वो पूरे नगर को घेर ले। कोई भी व्यक्ति हमारी आज्ञा के बिना कन्नौज की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने हमारे राजसूय यज्ञ का विध्वंस करके हमारे मुंह पर ऐसी कालक पोती है कि हम अपने मेहमानों के सामने अपना चेहरा लेकर भी नहीं जा सकते। उसे हर हाल में पकड़ना चाहिए, जीवित या मृत। जो आज्ञा महाराज। आइए आइए हमारे साथ। जाओ, जाकर पूरे सीमा क्षेत्र को घेर लो, आगे का पालन करो, जाओ। सेनापति, आओ हमारे साथ। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आप इस समय? चकोरी, तुम्हें पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने राजसूय यज्ञ भंग कर दिया है? आप क्या कह रहे हैं महाराज, ये कैसे हो सकता है? यज्ञ स्थल पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और आप कह रहे हैं पृथ्वीराज ने यज्ञ को भंग कर दिया है? नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है चकोरी, हम स्वयं यज्ञ स्थल से होकर आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने पूरा यज्ञ स्थल तहस नहस कर दिया है, यहाँ तक कि वह जितने भी तैनात सैनिक थे सबके सब मारे गए। महाराज, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ आ सकता है। चकोरी, कवि चंद्रवरदाई और उनका सेवक गणपत डांगी कहाँ है? महाराज, वो दोनों तो अतिथिशाला में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम? नहीं चकोरी, हमें संदेह है कि वो अपने कक्ष में नहीं है। महाराज, कक्ष के बाहर तो मैं खड़ी हूँ, और ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे सामने कक्ष के बाहर जाएं और मैं उन्हें देख ना सकूं? चकोरी, फिर भी हम उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आइए महाराज, चलो। Thank you.
इसका अर्थ यह हुआ चकोरी कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने आने का भेद कभी चंद्रवरदाई और घनपट डांगी को नहीं बताया। उसके आने की खबर इन दोनों को नहीं है। आपने सच कहा महाराज, अब मेरे लिए क्या आ गया है? कुछ नहीं चकोरी, तुम विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति जी। महाराज। सेनापति, सीमा के चप्पे चप्पे को घेर लिया जाए। पृथ्वीराज चौहान हमारे हाथों से नहीं बचकर जाना चाहिए। जिस तरह से उसने राजसूय यज्ञ भंग किया है, जिस तरह उसने हवन की अग्नि को बुझाया है, हम चाहते हैं उसी अग्नि में उसके जीवन की चिता जले। जाओ। जो आज्ञा महाराज। पृथ्वीराज चौहान, तेरा अंत तो जयचंद के हाथों ही होगा और ये मेरा वचन है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है सेनापति जी? महाराज, आपके आदेशानुसार हमने अपने सैनिकों को सीमा पर हर जगह तैनात कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति हमारे सैनिकों की दृष्टि से बचकर सीमा पार नहीं जा सकता। महाराज, हमें विश्वास है कि पृथ्वीराज चौहान ने अभी तक सीमा पार नहीं की। महाराज, हमारे सैनिक नगर के एक एक घर में उसे ढूंढ रहे हैं। इस बार वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। महाराज, नहीं जा सकता। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है? महाराज, महाकवि चंद्रवरदाई अपने सेवक गणपत डांगी के साथ आपके दर्शन करना चाहते हैं। आने दो। जो आ गया महाराज। प्रणाम महाशय। प्रणाम। प्रणाम महाशय। प्रणाम। कन्नौज नरेश महाराज जयचंद की सेवा में कवि चंद्रवरदाई का प्रणाम। महाराज, मैं आभारी हूं आपका। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी शत्रुता होते हुए भी मुझे इस दरबार में इतना सम्मान मिलेगा। और विशेषकर मैं राजकुमारी संयोगिता का आभारी हूं। महाराज, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसी सर्वगुण संपन्न कन्या पर तो किसी भी पिता को गर्व हो सकता है। सत्य है महाराज, सत्य है। महाकवि चंद्रवरदाई, हम ये जानकर प्रसन्न हुए। क्या प्रसन्न है? महाराज, अब हम आपसे विदा लेने आए हैं। हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे वो तो पूर्ण हो गया, और कल हमने यज्ञ स्थल के दर्शन भी कर लिए। किंतु महाराज, आज नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तैनात देखकर ऐसा लगा कि कोई विशेष अतिथि कन्नौज में आने वाला है। नहीं महाकवि चंद्रवरदाई, यह व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि यह व्यवस्था तो उस व्यक्ति के लिए की गई है जो महादूत और महापापी है। वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा कहता है, लेकिन वो हमें सूचना दिए बिना कन्नौज आया और चोरों की भांति रात के अंधेरे में हमारा राजसूय यज्ञ विध्वंस करके यहां से चला गया। यज्ञ विध्वंस? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? किसमें इतना साहस हो सकता है जो आपकी आंखों के नीचे से आपकी मूंछों का बाल तोड़कर ले जाए? वो महाधूर्त, महाछली, महाकायर
आपका ही महाराज पृथ्वीराज चौहान है। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? सांबर नरेश ने आपका यज्ञ भंग कर दिया? हाँ महाकवि, लेकिन इस बार वो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। हमारे सैनिक उसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। महाराज, मुझे इस यज्ञ के भंग होने का बड़ा खेद है महाराज। हाँ, मैंने तो सोचा था कि यज्ञ की पवित्र राख को अपने माथे पर लगाऊंगा और अपने परिवार वालों और मित्रजनों के लिए यहाँ से लेता जाऊंगा, लेकिन हमारे महाराज ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। ना 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 ना, ना। सेवा गणपत डांगी, तुम अपने महाराज की इस करनी के विरोध में सचमुच बोल रहे हो या हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हो? क्षमा करे सेवक, ऐसी दृष्टता कर ही नहीं सकता महाराज। क्षमा करे, मैं महाकवि चंदवरदाई का सेवक हूँ और महाकवि की तरह भावुक भी हूँ महाराज। हाँ, मैं तो घावों पर मरहम लगाने का काम भी कर सकता हूँ। यदि आपको मेरे मरहम में अपने घावों पर नमक का आभास हो रहा है तो ये तो मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है महाराज। क्षमा करे महाराज, यदि आपको याद हो तो मैंने तो आपसे कहा कि हमारे महाराज जैसा कि उनका स्वभाव है आपके निमंत्रण पत्र का उत्तर अवश्य देंगे, तो उन्होंने दे दिया। मैंने तो आपसे कहा था ना महाराज। इसीलिए तो जी में आता है कि महाकवि चंद्रवरदाई समेत तुम्हें जिंदा शेर के पिंजरे में डाल दूं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कीजिएगा महाराज। अब आप महाकवि चंद्रवरदाई और मैं अपनी कविता के माध्यम से भले ही शेर का जबड़ा फाड़ सकते हो, मगर शेर के पिंजरे में जाकर उसका सामना नहीं कर सकते महाराज। ऐसा ना कीजिएगा। अब आप पृथ्वीराज चौहान के अपराध का दंड हमको नहीं दे सकते महाराज। नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। सेवकन पटांगी, जी 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 महाराज, ये मत कहो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ इस बात से चिंतित हैं कि आने वाला समय हमारे बारे में क्या कहेगा, इतिहास हमारे बारे में क्या लिखेगा कि हमारे राज्य में आए हुए कवि और उसके सेवक को बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के कारावास में डाल दिया। इस समय हमारे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे मुख से कोई ऐसा आदेश निकल जाए जो राज की मर्यादा के विरुद्ध हो। महाराज जयचंद, आपके इस उपकार को, इस उदारता को न तो मैं भूल पाऊंगा और न ही इतिहास। आपका स्थान इतिहास में सुरक्षित है महाराज। महाराज की जय जयकार हो, आपकी कीर्ति बनी रहे। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ महाराज। अब आज्ञा है। अब महाराज, महाराज, अगर अनजाने में मुझसे कोई दृष्टता हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे मुझे। अब आज्ञा दे। हाँ हाँ, शेर से मुझे बहुत डर लगता है महाराज, अब आज्ञा दे। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमारी संयुक्ता ने संदेश भेजा है, यदि आपकी अनुमति हो तो महाकवि चंद्रवरदाई और सेवक गणपत डांगी को परंपरा अनुसार विदा करना चाहती है। हाँ, क्यों नहीं, ये तो कन्नौज राज्य की मान मर्यादा बढ़ाने वाला काम है। हम राजकुमारी संयोगता को इसकी अनुमति देते हैं। धन्यवाद महाराज। चलिए कभी राज।